गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये तो मैंने सरासर अन्याय है, इसलिए कि मेरा लड़का जो है शुरू से ही एकदम सोशल स्वभाव का था, आज तक वो किसी से मारपीट भी नहीं किया है। गांव में भी आप पूछ सकते हैं कहीं भी मेरे परिवार के बारे में विषय में जा कर के देख लीजिए कहीं भी, कि हर आदमी को हम मदद करते हैं, बल्कि किसी को तकलीफ नहीं होने देते हैं। जो भी मेरे हाथ मेरे हाथ का चीज़ है, मैं यही चाहता हूँ कि नहीं हर आदमी उससे का यूज करे, उसको काम में लाए। और किसी को मैं आज तक एक शब्द भी नहीं बोला, मारना तो दूर रहा, शब्द भी नहीं बोले। कुछ हमारे यहाँ हमारा ज़मीन भी पड़ता है SC क्षेत्र में, लेकिन वहाँ जो नुकसान होता है उस पर हम कुछ नहीं उन लोगों को बोलते हैं, बल्कि उनसे उन्हीं लोगों से जाकर के आप पूछ लीजिए कि उनका स्वभाव क्या है, उनका परिवार का स्वभाव क्या है, उनके बाल बच्चों का स्वभाव क्या है। बाल बच्चा भी आते हैं तो बराबर यही कहते हैं कि किसी को भी मैंने कोई सताइएगा नहीं, किसी को कुछ बोलिएगा नहीं। लेकिन अब तो मैं भाजपा सरकार है, जैसा चाहे वैसा वो मैंने कर सकती है। उनके अंदर में जो है दिल्ली पुलिस है, दिल्ली LG हैं, वो सब कुछ है। वो उन लोगों का यही कहना है कि वो आप अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए और आप पर कुछ नहीं होगा। लेकिन वो उनके साथ में 15 वर्ष से रह रहा है, आज तक किसी कहीं भी उसका मैंने कोई शिकायत हम नहीं सुने हैं। और ये कैसे मैंने हो गया तो सोचने की बात है। और हमसे फ़ोन से बात हुआ था तो वो कह रहा था कि पापा जी, हम तो नाश्ता कर रहे थे तो आई थी बहुत बड़ा कांड करने के लिए, तो गार्ड उड लोग रोका तो हम गए वहाँ, तो गार्डे लोग हटाया, हम तो उसको छुए भी नहीं। हम उससे मैंने यही कहा कि नहीं, मैंने बिना पूछे हुए हम नहीं मिलने देंगे। इसी पर जो है वो गर्म होकर के कही कि तुम्हारा तो नौकरी चलिए गया है, अब तुमको भी हम जेल भिजवा देंगे। उसी पर वो कही होगी, और वैसा तो वो लड़का हमारा नहीं है, इसलिए कि मैंने हमारा ही लड़का है, हम तो जानते हैं। और क्या क्या नाम है आपका? महेश्वर राय, ग्राम खुदरू, पोस्ट खुदरू, थाना दिनारा, जिला रोहतास। मैं BMP से शैक्षिक सेवानिवृत्त आरक्षी हूँ, और बहुत लड़के को पढ़ाया गरीबी रेखा में, और पढ़ा भी और अपना जीवन यापन भी कर रहा है। आपके पुत्र को दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये तो मैंने सरासर अन्याय है, इसलिए कि मेरा लड़का जो है शुरू से ही एकदम सोशल स्वभाव का था, आज तक वो किसी से मारपीट भी नहीं किया है। गांव में भी आप पूछ सकते हैं कहीं भी मेरे परिवार के बारे में विषय में जा कर के देख लीजिए कहीं भी, कि हर आदमी को हम मदद करते हैं, बल्कि किसी को तकलीफ नहीं होने देते हैं। जो भी मेरे हाथ मेरे हाथ का चीज़ है, मैं यही चाहता हूँ कि नहीं हर आदमी उससे का यूज करे, उसको काम में लाए। और किसी को मैं आज तक एक शब्द भी नहीं बोला, मारना तो दूर रहा, शब्द भी नहीं बोले। कुछ हमारे यहाँ हमारा ज़मीन भी पड़ता है SC क्षेत्र में, लेकिन वहाँ जो नुकसान होता है उस पर हम कुछ नहीं उन लोगों को बोलते हैं, बल्कि उनसे उन्हीं लोगों से जा कर के आप पूछ लीजिए कि उनका स्वभाव क्या है, उनका परिवार का स्वभाव क्या है, उनके बाल बच्चों का स्वभाव क्या है। बाल बच्चा भी आते हैं तो बराबर यही कहते हैं कि किसी को भी मैंने कोई सताइएगा नहीं, किसी को कुछ बोलिएगा नहीं। लेकिन अब तो मैं भाजपा सरकार है, जैसा चाहे वैसा वो मैंने कर सकती है। उनके अंदर में जो है दिल्ली पुलिस है, दिल्ली LG हैं, वो सब कुछ है। वो उन लोगों का यही कहना है कि वो आप अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए और आप पर कुछ नहीं होगा। लेकिन वो उनके साथ में 15 वर्ष से रह रहा है, आज तक किसी कहीं भी उसका मैंने कोई शिकायत हम नहीं सुने हैं। और ये कैसे मैंने हो गया तो सोचने की बात है। और हमसे फ़ोन से बात हुआ था तो वो कह रहा था कि पापा जी, हम तो नाश्ता कर रहे थे तो आई थी बहुत बड़ा कांड करने के लिए, तो गार्ड उड लोग रोका तो हम गए वहाँ, तो गार्डे लोग हटाया, हम तो उसको छुए भी नहीं। हम उससे मैंने यही कहा कि नहीं, मैंने बिना पूछे हुए हम नहीं मिलने देंगे। इसी पर जो है वो गर्म होकर के कही कि तुम्हारा तो नौकरी चलिए गया है, अब तुमको भी हम जेल भिजवा देंगे। उसी पर वो कही होगी, और वैसा तो वो लड़का हमारा नहीं है, इसलिए कि मैंने हमारा ही लड़का है, हम तो जानते हैं। और क्या क्या नाम है आपका? महेश्वर राय, ग्राम खुदरू, पोस्ट खुदरू, थाना दिनारा, जिला रोहतास। मैं BMP से शैक्षिक सेवानिवृत्त आरक्षी हूँ, और बहुत लड़के को पढ़ाया गरीबी रेखा में, और पढ़ा भी और अपना जीवन यापन भी कर रहा है।